फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है उसकी वैल्यू नहीं दी, दैट इज थीटा, ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म से समझ में आ रहा है कि जो ए की वैल्यू है वो है 60 डिग्री, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट थ्री, यानी रूट थ्री जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, एंड द रे रिफ्रैक्टेड इज पैरेलल टू द बेस इनसाइड द प्रिज्म, द वैल्यू ऑफ थीटा इज, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ये साइन 30 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ये साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसकी वैल्यू 60 डिग्री आई है, पर लेकिन हमें इसकी नहीं, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, देन जो आई की वैल्यू वो हमारी 60 डिग्री निकल जाएगी।